हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हम बैठे हुए हैं देव भैया के ऑफिस में और हमारे साथ में है अली भैया, जिन्हें आप बांगा भैया के नाम से जानते हो। तो अभी हम लोकसभा चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं देव भैया के लिए। तो थोड़ी देर बाद देव भैया आएंगे, उनसे भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि भैया अभी पहुंच चुके हैं ऑफिस में, आज मुहूर्त अच्छा है। हाँ। तो क्या है कि अभी हम लोग को जो है 27 तारीख को करना है नामांकन रैली। उससे पहले क्या है, आज जो मेन डॉक्यूमेंटेशन जो हमें करना है वो पहले आज आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन जो होता है बहुत हड़बड़ी होती है। हाँ। नामांकन जो रैली होती है उस दिन, तो पहले आज कर लेते हैं जो विधिवत है, उसके बाद फिर चलता रहेगा। अभी हम निकल चुके हैं लोकसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म भरने के लिए और हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं सभी अपने अपना जो इंट्रो है भैया जल्दी से। मैं राजेंद्र ठाकुर बरघाट से हूँ। मैं पंकज बसैन सिवनी से हूँ। तीरथ गौतम कोसमी से। और सामने बैठे हुए हैं हमारे देव भैया और इधर चला रहे हैं हमारे अली भैया गाड़ी, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बंजारी माता मंदिर और मेरे पीछे आप देख सकते हो यह है बंजारी माता का मंदिर। यहाँ पर अभी हम दर्शन करते हैं। जय माता की जय। श्याम तो अभी हम पहुंच चुके हैं बालाघाट और यह है काली माता जी का मंदिर। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूं और माता जी के दर्शन कराता हूं। One hour later. तो गाइस, जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट और जा रहे हैं अंदर फॉर्म भरने के लिए। देव भैया भी आप देख सकते हो सामने, तो चलिए। तो जैसे कि फॉर्म लेने के लिए देव भैया यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी जो जो चीज़ें लगने वाली हैं वो कुछ इस तरह की हैं, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। यार जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ भीड़ लग गया। A few moments later. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं देव भैया के साथ इनके वकील साहब के पास फॉर्म भरने के लिए। The next day. तो कल समय अधिक होने के कारण हम लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, तो आज देव भैया आए हुए हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए लोकसभा चुनाव का। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और फॉर्म सबमिट करते हैं आज। देव भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आज का जो फॉर्म है इसमें भाई आप सबकी बड़ी मेहनत है, क्योंकि हमने क्या सुबह से लगे हुए थे, आज कल का भी दिन ऐसे लगे थे हम लोग का, लेकिन आज फॉर्म भर दिया हमने फाइनली। और सब भाइयों का हमारा सहयोग रहा, हमारे अंकित भाई, राजेश पारदी जी, कृष्ण कुमार शरणागत जी और अपने बाल कृष्ण, हमारे अली भाई, संजेश भाई, मेरे अंकल जी तीरथ प्रसाद गौतम जी, हमारे महेश शुक्ला जी और हमारे विजय भाई सनोड़िया, ये दिग्विजय सनोड़िया और परम खरे पीछे आगे आओ तो, और हमारे राजा भाई जो फिलहाल में वीडियो बना रहे हैं, और जितनी हमारी टीम के मेम्बर जो यहाँ पर फिलहाल में है नहीं, सबका सहयोग रहा। लेकिन आज जो क्या हुआ कि जो हमें जानकारी दी गई थी, जो फॉर्म मिला था, कहीं ना कहीं वो अधूरी जानकारी थी हम लोग को और वो समय दी नहीं गई। हमने फॉर्म फिलअप कर लिया था, फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर क्या अंदर जाने में मालूम हुआ कि शपथ पत्र जो है उसका सिस्टम पूरा बदल गया है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम लोग काम हुआ, जानकारी थोड़ा पहले देना चाहिए ताकि हमें इतनी परेशानी ना हो पाती यहाँ पे। सब भूखे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में होती है, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, बट काम अच्छा हुआ है आज, श्री गणेश बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है ईश्वर हमें ऐसे ही साथ देगा और जनता पूरी साथ देगी और हम चुनाव को अच्छे लंबे अंतर साथ में जीतेंगे,
देव भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। देव भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। 20 मिनट्स लेटर जो आज एक नई दिशा में अपना कदम रखने जा रहे हैं उसके लिए मैं पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुन चुन कर लाए हमको निखारे एक पहचान दी। आज बांगा जो है इनकी देन है और ये चाहते हैं कि सिवनी बालाघाट को भी एक नाम दे एक बड़े लेवल पर लेके जाए उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आदरण जी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ पवार जी को जिता दीजिए जैसा भी वो अंदर से गपा गप दे देना। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा बनवारी सेठ जिन्हें आप देव पवार के नाम से जानते हो उन्होंने लोकसभा का फॉर्म भर चुके हैं और ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माता दी।